लेकिन हम यहाँ पिच्छू कबीले वालों को कैसे ढूंढेंगे? यहाँ चारों तरफ तो रेत ही रेत है। सब्र रखो छोटे। ठीक है बड़े। छोटे बड़े ये सब क्या चल रहा है? ये इन दोनों के बीच की बात जोड़नी, तुम जाने दो जाने दो। पिच्छुओं की दुनिया में जाने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप लोगों के पास वहां जाने के बाद वापस लौटने के लिए बहुत कम वक्त होगा। और दूसरी बात, बिच्छू के कबीले वाले इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। हैं? सही खेल गए। अब एक चीज और चाहिए, कलाई पर बिच्छू कबीले का खास निशान। अब एक आखिरी बात, बिच्छू इंसानों को उसकी महक से पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा लगे कि बांडा फूटने वाला है तो बोलिएगा बिल्ली को कुत्ते का सलाम। बिल्ली को कुत्ते का सलाम? बिल्ली को कुत्ते का सलाम? अरे सही खेल गए, तुम दोनों इस बात को बार बार दोहरा क्यों रहे हो? बिल्ली को कुत्ते का सलाम, बस इतना याद कर लो। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, हमें कुछ भी करके वहां से किसी एक बिच्छू को मनाकर यहाँ लाना ही पड़ेगा। किसी ऐसे वैसे बिच्छू को नहीं, सबसे नाजुक फूल से दिल वाले बिच्छू को। अरे लेकिन इतने कम वक्त में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तेरा वक्त आ चुका है काले चोर, अब तेरी खैर नहीं। किसी तरफ का इशारा कर रहा है। जादुई दरवाजा खोल दे छोटे। गोभी ताजी, पराठा ताजा, खुल जाए जादुई दरवाजा। जी 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 जी। इस दरवाजे में दाखिल होते ही आप पिच्छुओं के कबीले में होंगे। जश्न की रात है, आज जरीना रक्स दिखाएगी। जिस तरह बीन सांप की कमजोरी होती है, वैसे ही ढोल की आवाज बिच्छू की कमजोरी होती है। ढोल की आवाज कानों में पड़ते ही बिच्छू अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और अपने असली रूप में आ जाते हैं। हमें इसे आने के लिए मनाना होगा, लेकिन ये कहां से नाजुक सी फूल से दिल की लग रही है? जरीना के अम्मी अब्बू ने अय्यारों की मदद करके उन्हें बिच्छू की दुनिया के राज बता दिए थे। अय्यारों ने अपना फायदा उठाकर जरीना के अम्मी अब्बू को मार दिया। बिच्छू कबीले वालों ने जरीना को पाल पोस कर बड़ा तो किया, लेकिन उसे समझने की, उसे पहचानने की कोशिश किसी ने नहीं की। दर्द ही दर्द को पहचानता है। एक जरीना ही है जो हमारी परेशानी को समझ सकती है और हमारी मदद कर पाएगी। कहने को सारा कबीला उसके साथ है, पर वो तन्हा है। पर ये अपनी तन्हाई में इतनी खुश कैसे लग रही है? बाकी सवालों का जवाब जानने के लिए आप लोगों को जादुई दरवाजे के अंदर जाना होगा। और हाँ, किसी बिच्छू से अय्यार को खत्म करने की तरकीब पूछना इस कबीले में गुनाह माना जाता है, इसलिए संभल के।
आप तीनों की गैर मौजूदगी में मैं यहाँ सब कुछ संभालने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरी कही हुई सारी बातों को याद रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना अंगूठी छाप, इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे। आप भी। बंदर लग रहे हो। तुम भी कोई हुर की परी नहीं लग रही हो। ये सब छोड़ो और घुल मिल जाओ, घुल मिल जाओ। मुझे तो ये जरीना अपनी जिंदगी में बड़ी खुश लग रही है, और सच कहूं तो अकड़ू भी। मुझे तो नहीं लगता ये किसी अय्यार वियार को मारने के चक्कर में पड़ना चाहेगी। तुम्हें लगता है कि अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़के हम अजनबियों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालेगी? नहीं, देखिए ना, बिना बात के मुस्कुराई जा रही है। कभी कभी तो सब मुस्कुराते हैं जिनू, लेकिन जो लगातार मुस्कुरा रहा होता है वो दुनिया से अपना दर्द छुपा रहा होता है। सबकी आंखें इस पर है, फिर भी ये किसी को नजर नहीं आ रही है, तुम दोनों को भी नहीं। निकम्मी ने बड़ी गहरी बात कहती। तुम जरीना के बारे में ये सारी बातें इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? खुद ही देख लो। वो सब कुछ तब तक थी जब तक लोगों की नजर इस पर थी। नजर हटते ही इसलिए सामने आ गई। यादाएं ये ऐसी, ये सब कुछ झूठ है। सच तो इसकी मायूसी और इसका अकेलापन है। आओ। ये लोग इस कबीले के तो नहीं लगते, इनका पीछा करके देखता हूं। पता है अम्मे, आज के जश्न में मेरा रंग देखने बहुत से लोग आए थे। अम्मी भी गई हूँ ना, है ना अबू? पता है अबू, आज सबने मेरी तारीफ की, सबको मेरा रंग बहुत पसंद आया। लेकिन रक्स खत्म होते ही सब चले गए, किसी ने मुझसे बात तक भी नहीं की। हाँ, मुझे देखा। अरे अब वो मम्मी को समझाइए ना, मैं तो सिर्फ बातें बता रही थी, मैं नहीं चाहती कि वो उदास हो जाए। समझाइए ना, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ अबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, परेशान ना हो। छुप छुप कर सारी दुनिया से पलके भिंगोते देखा है, महफिल में हंसने वाले को तन्हाई में रोते देखा है। कौन हो तुम? हम अलादीन। तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? हमें हिम्मत नहीं, मजबूरी खींच कर लाई। हम बहुत 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 दूर से आए इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी और हमारे बगदाद के लोगों की मदद करेंगी। मुझे साफ साफ बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं अलादीन। हम इंसान हैं और हम बगदाद से आए। इंसान? हाँ, हमारा मुल्क खतरे में है, वहाँ के लोग मुश्किल में हैं, और उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। अब तक तो सिर्फ तुम्हारी दुनिया खतरे में है, कुछ देर बाद तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो, मुझे अभी भी लगता है कि ये बंदर का बच्चा बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। हमें यहाँ किसी और को ढूंढना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपके नखरे अभी भी वही हैं। आओ अलादीन,
बंदर का बच्चा है, उसका काम हमारे बिना नहीं होगा। पहली बात, मैं खुद को मैं बोलती हूँ, आप नहीं। और दूसरी बात, मैं ऐसे बातें कब करती हूँ? आप नहीं समझेंगे। ये तुम मुझे आप कब से कह के बुलाने लगे? जैसा आका वैसा जी, तुम्हें कि नंगूरों के बीच में भाग गई हूँ। ये लोग ज़रीना के तंबू के बाहर क्या कर रहे हैं? अब तो इन्हें परखना होगा। आदिल, आफताब, कादिर, चलो मेरे साथ। ज़रीना, हम आपका हाल समझते हैं। आप अकेली रहती हैं, इसलिए किसी पर भी यकीन करना आपके लिए आसान नहीं। लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तन्हाई किसी को भी बाहर से सख्त और अंदर से नरम कर देती है। आपकी बातों में नाराजगी और शक जरूर है, लेकिन आपकी आंखें अभी भी हमारी सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही। हम सच्चे हैं ज़रीना जी, हम दोस्ती रखने में यकीन करते हैं, ना कि भरोसा तोड़ने में। हम जानते हैं कि हमारी दुनिया के लोगों की तरह आप भी ये बात समझती हैं कि रिश्ते वो चिराग होते हैं जो जिंदगी को रोशन कर देते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में एक शैतान घुस आया जो इन चिरागों को बुझा देना चाहता। आपके अपनों को तो किस्मत ने छीना, पर हमारी दुनिया में हजारों बेकसूर लोगों के अपनों को ये शैतान छीनना चाहता है। किस्मत को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस शैतान को रोका जा सकता है, और सिर्फ आप भी कर सकती है। तो खुदा के लिए आप हमारी मदद कीजिए। हम सबको आपकी मदद की बहुत जरूरत है। किसी को मेरी जरूरत है, मैं किसी के काम आ सकती हूँ, एक नई दुनिया में जा सकती हूँ जहाँ रिश्तों की इतनी कदर करने वाले लोग रहते हैं। पर मैं मजबूर हूँ, कबीले से बाहर गई तो मेरे लोग न जाने क्या मेरा हाल करेंगे। मुझे माफ कर देना अलादीन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर मैं यहां से चले गई तो मेरे कबीर के लोग मुझे जान से मार देंगे। नहीं, सही खेल गए, इसे सच बताना ही पड़ेगा। खतरा तो है, पर यह खतरा हमें मोल लेना ही पड़ेगा। ज़रीना जी, आप जानती हैं हमारा दुश्मन कौन है? वो एक अय्यार है। ये लोग तो इस पर पड़े, आकर अंदर है, क्या होगा? सबसे पहले पसीने की नदियां बहाना बंद करो, नशा हो जाएगा। पसीना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कबीले का निशान दिखाओ। अब हमें तो कबीले का वो खुफिया लफ्ज भी पता है। चूहे को कुत्ते का सलाम, गधे को कुत्ते का सलाम, नहीं नहीं, बिल्ली को मेंढक का सलाम। ये लोग घुस बैठी हैं, पकड़ लो इन्हें। हमारा सलाम। नहीं लाते, तुम्हारा दुश्मन अय्यार हो या कोई और, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यहाँ अपने कबीले में रहने के बाद भी मेरे कबीले वालों ने कभी कभी मुझे अपना नहीं समझा, ना कभी मुझे प्यार दिया, तो मैं तुम इंसानों से क्या उम्मीद कर सकती? मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। बिल्कुल, कैसी जिंदगी? अगर यहाँ पर आपको कोई अपना है तो ये तस्वीरें,
जिंदगी आपको एक मौका दे रही है जरीना जी, अपने अम्मी अब्बू के खून का बदला लेने का, सच्चे दोस्त बनाने का। अगर आप हमारे साथ आएंगी तो हमारे लिए नहीं, अपने लिए आएंगी, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आएंगी। ना ही मेरी जिंदगी बदलेगी और ना ही मैं, नहीं अलादीन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। निकल जाओ यहां से। इनका कोई साथी अंदर तो नहीं है? चलो। आपने तो मुझे उठाई थी, आप ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। अब तक तो ठीक थे पर अब नहीं। है? जादू ही पूरा था, मर गए। इसमें तो मेरा जादू भी काम नहीं करेगा। कहाँ है वो चोर? मैं रकासा, और ये मेरा कमरा है, और मेरे अलावा इस कमरे में सिर्फ तुम हो। सोचो चोर कौन हुआ? चुपचाप बता दो जरीना, कहाँ है वो घुसपैठियाँ? ये कमरा मेरा है, और इस कमरे में ना घुसपैठियों के लिए जगह है और ना तुम्हारे लिए। तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मुझे यहाँ इंसान की महक आ रही है। याद दिला दूं, हमारे कबीले में किसी इंसान को छुपाने की सजा मौत है। सही खेलते, ये हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है? मैं भी इस कबीले में रहती, यहाँ के कानून से मैं भी वाकिफ। तुम मुझे मत समझो, और वैसे भी किसी की जान लेने के लिए ना अंदर जान होनी चाहिए, जो कि तुम में नहीं है। समझ में आया? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ कोई ना कोई जरूर है, अभी भी वक्त है जरीना, बता दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। डराने की कोशिश कर रही हो मुझे? मैं जिंदगी में अकेली हूँ, तो ना कोई डर ना कोई अपना, चुपचाप से चले जाओ यहाँ से। शेख अजनबी के लिए अपने लोगों के सामने डट के खड़ी है, कितनी बहादुर है, पर अब हमें इसकी बहुत फिक्र हो रही है। ना जाने जिनू और चूरनी कहाँ है। आज इसे अपने अम्मी और अब्बू के पास पहुँचा ही देते हैं। ठालो इसे। अरे गिरे हुए तो तुम हो और इन्हें उठाने की बात कर रहे हो। तुम तो कह रहे थे कि तुम अकेली हो। वो अकेली नहीं, उसका भाई उसके साथ है। बहन का साथ देने के चक्कर में अपने ही साथियों को भूल गया? पहले उन्हें तो बचा लो। क्या यकीन नहीं हो रहा ना? चला आके देख। अलादीन चल। वो अकेली नहीं, उसका भाई उसके साथ है। अगला कमरा अलादीन का है, वहीं चलकर कुछ पता चलेगा। सुल्तान यहाँ, मुझे इन्हें रोकना होगा। सुल्तान जफर सलाम, हमारी खुशकिस्मती तो देखिए, हम महल आने वाले थे आपसे जरूरी बात करने, और आप तो खुद ही तालीम घर आ गए। हाँ, हम तालीम घर के लिए ही निकले थे, लेकिन एक जरूरी काम याद आ गया। सुल्तान हमारी बात तो सुन लीजिए, हमें बच्चों के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए रुखसार बेगम, हम वाकई में बहुत जल्दी में हैं, कभी और बात करते हैं। पर सुल्तान, बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, हमें उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा, और किताबें भी बहुत सारी लेकर आनी है। इतने बच्चे। कौन बच्चे? कहाँ, कैसे बच्चे, क्या किताबें, क्या कह रही हैं? तालीम घर के बच्चे सुल्तान, और कौन से बच्चे? देखिए हम वाकई में बहुत जल्दी में हैं, हम यकीनन आपसे आकर मिलेंगे, ठीक है जी? इस वक्त इन्हें रोकने की कोशिश की तो सब समझ जाएंगे। मैं तुझे रोक नहीं सकती, पर तुझ पर नजर जरूर रखूंगी, ताकि अलादीन जब लौट कर आए उसे सब बता सकूं। अलादीन सही कर रहा है, मैं उसका साथ जरूर दूंगी।
अगर हमारी जादुई ताकतें अलादीन के कब्जे में हैं, बहुत जल्द इसकी बदौलत हमारे पास लौट आएंगी। या खुदा, अलादीन तेरा नेक बनता है, अब उसकी हिफाजत करना तेरा जिम्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.